तो आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और कड़ाही पनीर, शाही पनीर या लवादी पनीर इस तरह का जितने भी होते हैं ना, सबकी तरी एक जैसा ही होते हैं, क्योंकि उस सभी में मसाले एक जैसे ही डालते हैं, इसलिए फ्लेवर उसके खाने पे एक जैसे ही लगते हैं। किसी में मक्खन थोड़ा ज्यादा, किसी में घी थोड़ा ज्यादा होता है। तो आइए मैं बिल्कुल कम तेल और मक्खन में आपको मैं शाही पनीर बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए मैं बनाई हूँ शाही पनीर, तो इसको मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसमें तेल काफी ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ये तो ये देखिए तेल कितने दिख रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि काफी सारे मैंने तेल डाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं कुछ भी नहीं ज्यादा तेल, ना घी, ना मक्खन डाली हूँ, और ना ज्यादा क्रीम मैं डाली हूँ। तो बिल्कुल घर पे जो भी चीज है उसी से मैं बनाई हूँ। तो आइए एक बार हमारा ये रेसिपी आप जरूर देखें कि मैं किस तरह से बनाई हूँ। तो चलिए बनाना मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ ज्योति सिन्हा, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो आइए देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊंगी, ना पीसने की जरूरत, ना कोई झंझट, फटाफट से हमारा शाही पनीर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है मसाले। तो आइए देखिए क्या मसाले होते हैं, आइए बनाना शुरू करती हूँ मैं। तो आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। तो शाही पनीर बनाने के लिए 4 टमाटर ली हूँ, 3 प्याज, लहसुन, और बहुत सारे शाही पनीर बनाते हैं जो बोलते हैं मुँह में जाते ही घुल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने तरीके से अगर बनाते हैं बिल्कुल घरेलू तरीके से, तो वो भी आपको इतना ही स्वादिष्ट लगेगा जितना रेस्टोरेंट जैसा आपको स्वादिष्ट लगता है। तो आइए बनाना मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं टमाटर और प्याज और लहसुन को पीस लेती हूँ। तो चलिए मैं इन सभी को काट लेती हूँ। तो चलिए मैंने इन सभी को काट ली हूँ, और लहसुन को अच्छी तरह से ये देखिए पीस दी हूँ। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई में तेल डालते हैं, तो तेज पत्ता डालते हैं, और इसमें प्याज डालते हैं। प्याज सूख होने तक पकाऊंगी। मीडियम रखें गैस को। दो चम्मच दही ली हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये हल्दी है, मिर्ची आधी चम्मच, एक चम्मच हल्दी है, और दो चम्मच मैं ली हूँ धनिया। आप ये हमारा चम्मच बहुत छोटा है, आप अपने हिसाब से एक चम्मच भी ले सकते हैं, तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा बना रहे हैं। तो चलिए इन सभी को मैं डाल देती हूँ। मिक्स कर देते हैं। क्या बना रही हो? शाही पनीर बना रहे हैं। क्या दे दिया? मैगी? तो इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप ये प्याज को बिल्कुल मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं, मगर वो उतना अच्छा नहीं लगता है हम सभी को, इसलिए इस तरह से प्याज का जो इजी तरीका है उस तरह से ज़्यादा समय भी ना लगा, फटाफट से बन भी गया ये रेसिपी, तो इसलिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। इस जगह पे एक चम्मच मक्खन डाल दें या एक चम्मच घी डाल देंगे।
मैं डाल दी हूँ घी। इस जगह पे ये लहसुन डाल देंगे, तो मैं डाल दी हूँ लहसुन और इसको भी खुशबू आने तक पकाऊंगी। तो प्याज पिंक हो चुका है, इसमें मसाले डालूंगी। थोड़ा इसमें मसाला है तो इसे मैं 2 चम्मच पानी डाल के सभी मसालों को मिक्स करके डाल दी हूँ। तो मसाला भी पक चुका है, मैं डाल दूंगी टमाटर। तो टमाटर गल चुका है तो और 1-2 मिनट में पका लेती हूँ। और पनीर को काट लेती हूँ पीसेज में। तो इन सभी को मैं काट दी हूँ और ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है। देखिए साइड साइड से तेल हमारा घी सभी निकल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा मसाला भी बिल्कुल पक चुका है। तो ये देखिए हमारा दूध है, इसी में से मलाई निकालूंगी मैं, 2 चम्मच निकालूंगी। तो ये मैं निकाल ली हूँ मलाई सभी को और मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ जिससे ये क्रीम जैसा बन जाए। तो ये मिक्स हो चुका है। चलिए इसमें मसाले में मैं डाल देती हूँ गरम मसाला। और इसे भी 1-2 बार चला लेते हैं। तो 1 चम्मच मैं गरम मसाला डाली जिसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और इसमें क्रीम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी पानी डालूंगी, जो क्रीम वाले हमारे बर्तन थे वो डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मसाले में थोड़ी सी पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढकूंगी। तो ये बिल्कुल प्लेन से लगेगा पनीर, तो इसमें थोड़े से मसाले तो होने चाहिए। तो इसमें हल्दी डाल दें और मिर्च डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है, देखिए मसाले लग चुके हैं। अब इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तेल गर्म हो चुका है,
दूसरे साइड से भी पका लेती हूँ इस तरह से उलट पुलट को, बहुत हल्का ही बस पकाएंगे, ज्यादा नहीं इसे रोस्ट करेंगे। तो ये अच्छी तरह से ये कोटिंग हो चुका है मसाले का, तो गैस मैं बंद कर देती हूँ, गैस बंद कर दिया है। चलिए इधर देख लेती हूँ, तो ये हमारा खुशबू काफी अच्छी आ रही, तो इसमें मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी। तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे जिससे और फ्लेवर हमारा सब्जी का और भी बढ़ जाता है। और इसमें ये डाल दूंगी, बस दो मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। तो नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, पहले भी डाल सकते हैं बाद में भी डाल सकते हैं, तो अपने हिसाब से नमक डाल दे। और इसे दो मिनट के लिए ढक देंगे। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाही पनीर हो या कड़ाही पनीर या लवादी पनीर, सबका जो मसाले होते हैं ना एक जैसे ही होते हैं, देखते होंगे ग्रेवी एक ही जैसा लगता है क्योंकि सारे में मसाले एक ही पड़ते हैं, बस एक ही वैरायटी से बनाते हैं। तो सर्व कर लेती हूँ। तो ये सर्व कर चुकी हूँ, ये देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है शाही पनीर। तो आप भी इस तरह से शाही पनीर बनाएं और खाएं। हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।